हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चिनाब रिवर के बारे में, जिसका दूसरा नाम चंद्रभागा रिवर भी है। ये इंडस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर व हिमाचल प्रदेश जो राज्य हैं हिंदुस्तान के, उन राज्यों में ये फ्लो करती है। ये मैप है एक इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का। इसमें आप देखेंगे जो चिनाब रिवर है वो हिमाचल से जो है वो आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चिनाब रिवर है दो स्ट्रीम से मिलके बन रहा है, एक का नाम है चंद्र और दूसरे का भागा। तो ये दोनों स्ट्रीम जो हैं हिमाचल में एक टंडी नामक जगह है, तो वहाँ पे ये मिलती हैं और वहाँ से उनका नाम जो चिनाब जो है वो पड़ता है, और आगे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती हैं। वहाँ से फिर वो पाकिस्तान के एरिया में चली जाती हैं। मीनवाइल झेलम जो है चिनाब को मीट करता है, और आगे जाके रावी रिवर जो है वो भी चिनाब रिवर को मीट करता है। उसके बाद अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो सतलुज रिवर जो है वो चिनाब रिवर को मीट करेगा, और फाइनली ये सारे जो रिवर्स हैं मिलके मिथान कोट नामक जगह पे ये इंडस रिवर के साथ जो है कंबाइन हो जाते हैं। फर्दर ये ड्रेन कर जाते हैं अरेबियन सी में। चिनाब रिवर का अगर हम ओरिजिन देखें तो इसका जो ओरिजिन है वो बारा लच्छा पास जो है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो स्ट्रीम है ये चंद्रा और भागा स्ट्रीम से मिलके जो है चिनाब रिवर बना हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में होती है। तो इसीलिए इस रिवर को हम चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है, उसके अकॉर्डिंगली जो चिनाब रिवर का जो वाटर है वो पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है। टोटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर जो है वो लगभग 12,000 मेगावाट के ऊपर इनके कैपेसिटी जो है आइडेंटिफाई की गई है। और देखा जाए तो टोटल इंडस की जो टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है आइडेंटिफाई की गई है वो मोर देन 20,000 है, और उसमें से आधे से ज़्यादा यानी 12,000 मेगावाट जो है वो अकेला चिनाब रिवर ही कैरी कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है चिनाब रिवर के अंदर जितनी भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो टोटल लेंथ है चिनाब रिवर की वो है 960 किलोमीटर, और ये फ्लो करता है इंडिया एंड पाकिस्तान में। ये झेलम जो है चिनाब में मिलता है एक जगह पे, उस जगह का नाम है ट्रिमू, और ये ट्रिमू जो जगह है वो पाकिस्तान में है। आगे जाकर जो है वो झेलम और चिनाब जो है वो रावी के साथ मिलते हैं, और ये भी पाकिस्तान में है अहमदपुर सियाल नामक जगह पर। देखा जाए तो जो चिनाब है वो मीट करता है सतलुज को पंजनाड में, जो कि पाकिस्तान में। झेलम और रावी ज्वाइन करते हैं चिनाब को, बियास ज्वाइन करता है सतलुज को, और फिर ये सारे एक जगह पर मिलते हैं मिथान कोट में, जहाँ पर ये इंडस में मिल जाते हैं जाके। और फर्दर जो इंडस रिवर है वो ड्रेन कर जाता है अरेबियन सी में। ट्रिब्यूटरीज की बारे में बात करें तो इसमें मियार नाला, सोहल, थीरोड, भुट नाला, मरसुदार और लिदरी, कालनई, नीरू, बिचलेरी और रगी नाला, ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज का चिनाब रिवर की, जो मेन मेन ट्रिब्यूटरीज। एक तो मियार नाला है, जो कि राइट बैंक के ऊपर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। फर्दर नीचे आएंगे तो भुट नाला आता है, जो कि गुलाबगढ़ एरिया में है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी आपकी राइट बैंक के ऊपर ही है। देन मरसुदर रिवर जो है वो एक ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और ये ज्वाइन करती है चिनाब को भंडारकोट में, और भंडारकोट जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के। उसके अलावा जो एक ट्रिब्यूटरी है अंस, वो ज्वाइन करती है सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट, जहाँ पर है उसके
पहले, और ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के। उसके अलावा नीरू रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है भद्रवाह से, नीरू नाला भी इसको बोला जाता है, और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 30 किलोमीटर्स है, और फिर ये आके भद्रवाह से पुलडोडा के पास या आके चिनाब रिवर में मिलता है। तो ये इसके लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। और एक फेमस ट्रिब्यूटरी है इसके अलावा एक तावी रिवर, जिसकी टोटल लेंथ है 141 किलोमीटर। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में ये मेन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऑपरेशनल हैं, कुछ पे काम चल रहा भी। मेन है बगलिहार जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, 900 मेगावाट, डूल हस्ती किश्तवाड़ में 390 मेगावाट्स, सलाल 690 मेगावाट्स, रियासी में चिनैनी में 33 मेगावाट का, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है ये ऑपरेशनल है। इसके अलावा भद्रवाह में 1 मेगावाट, ये नीरू नाले के ऊपर बना हुआ है, ये भी ऑपरेशनल है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर या तो काम चल रहा है या तो काम शुरू होने वाला है। इनमें मेन है किरथई 1 एंड 2, 390 और 930, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। बुरसार, बुरसार नदी के ऊपर है जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, 1200 मेगावाट का, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। पक्कल डूल 1000 मेगावाट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और रेटल जो है वो भी किश्तवाड़ में है, 850 मेगावाट। सावलकोट रामपन और धुमपर डिस्ट्रिक्ट में 1856 मेगावाट। तो चिनाब रिवर के ऊपर ये फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है सावलकोट होने वाला है, जो कि रामबन और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा कीरू किश्तवाड़ में, कवार भी किश्तवाड़ में, इनकी कैपेसिटी है 600 और 560 रेस्पेक्टिवली। उसके अलावा लोअर कालनई जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, उसके ऊपर 48 मेगावाट्स का एक प्रोजेक्ट जो है बन रहा है, ये भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो अप्रॉक्सीमेटली 8600 मेगावाट जो है कैपेसिटी है चिनाब रिवर की जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि हार्नेस की जा रही है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इसके चिनाब रिवर के ऊपर कुछ बने हैं और कुछ बन रहे हैं, और ये एक लिस्ट है उसमें। जैसे कि जिस्पा हाइड्रो प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ये देखो भागा के ऊपर है, और जो नीचे छात्रू है ये चंद्रा जो स्ट्रीम है उसके ऊपर है। मियार ये चंद्रभागा में है, 120 मेगावाट। नीचे आप देखेंगे टांडी, राशिल, सेली, रियोली, तेलिंग, बरदंग, पाटम, टिंगेट, पुर्थी, सचखास, डुगार, खोकसार, ये मेनली लाहौल स्पीति और चंबा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनमें ये प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। और कुछ तो इसमें ऑपरेशनल नहीं है, अभी काम शुरू हो चुका है या होने वाला है, डिफरेंट स्टेजेस पर हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 3200 मेगावाट जो हिमाचल प्रदेश में जो है इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, और 8600 मेगावाट के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। एक फैक्ट है कि चिनाब जो रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज बन रहा है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और ये ब्रिज जो है रेलवे का वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा ये। और ये बक्कल और कोड़ी जो दो अलग अलग जगहें हैं, इनको आपस में कनेक्ट करेगा। तो इस ब्रिज के बनने से जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो एक रेलवे का एक सपना है कि कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ा जाए, तो इस प्रोजेक्ट के बनने के साथ ही, इस पुल के बनने के साथ ही उसको एक शक्ल मिल जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल जो है काम हो पाएगा। इसकी जो हाइट है इस पुल की वो है 359 मीटर। और कुछ फैक्ट्स हैं कि चिनाब रिवर में से दो कैनल जो हैं, इंपॉर्टेंट कैनल जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। एक है रणबीर कैनल और दूसरी है न्यू प्रताप कैनल। न्यू प्रताप कैनल की बात करें तो उससे पहले ओल्ड प्रताप कैनल जो है वो 1906 में जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो जो नई प्रताप कैनल है उसकी जो टोटल लेंथ है 33.69
किलोमीटर्स की है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी जो इधर से फर्दर जो नहरें निकाली गई हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो है 156.80 किलोमीटर के एरिए को वो सिंचाई प्रोवाइड करती हैं। ये अखनूर टाउन से मानवर तवी के जो बीच का जो एरिया है उसके जो खेत खलियान है वहाँ पर ये सिंचाई प्रदान करती है। रणबीर कैनल की बात करें तो इसको कंप्लीट किया गया था 1905 में, और ये रणबीर कैनल जो है बिश्ना आरएसपुरा और आर्निया बेल्ट्स का जो एरिया है वहाँ पर ये इरिगेशन प्रोवाइड करती है। ये यहाँ रणबीर कैनल जो है ये लेफ्ट बैंक से रिवर चिनाब के ली गई है। उसके अलावा एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड CVPPPL। NHPC में इसका 49% शेयर है, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 49% और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 2%। और ये बनाई गई थी, इनिशिएटिव लिया था इसमें J&K गवर्नमेंट ने कि ताकि चिनाब की जो हार्नेसिंग कैपेसिटी है उसको हार्नेस किया जाए प्रॉपरली। तो इसको CVPPL को अभी चार प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 3094 मेगावाट। इनमें पक्कल डोल जो है 1000 मेगावाट, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 624 मेगावाट, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 540 मेगावाट, कीरथई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 930 मेगावाट है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।